हाय मैं हूं पास्टर रिचर्ड क्रिस्को मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गॉड्स पाथ टू प्रोस्पेरिटी हम गौर करेंगे कि कैसे आपकी क्षमता बढ़ सकती है कि वो आपको आर्थिक रूप में आशीषित कर सके आप नोट्स डाउनलोड करें हम ब्रेक के बाद मिलते हैं एंजॉय लाइफ टाइम फ्रीडम इन एपिसोड Download the free PDF teaching guide and follow along as you watch. Put into practice the biblical truths you learn, create your own personal faith goals, and begin to destroy debt God's way. Start your journey to freedom today. पार्थ पार्थ में आपका स्वागत है मैं हूं पास्टर रिचर्ड आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी क्षमता को बाइबल के अनुसार बढ़ा सकते हैं ताकि हम वो मुकाम हासिल कर पाए जहां हमें आर्थिक आशीषे प्राप्त हो अब आप स्क्रीन पर हमारा पता देख पाएंगे जहाँ से आज के कार्यक्रम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बेहतर समझ के लिए आप इन नोट्स को डाउनलोड करें ताकि आप इन्हें मेरे साथ पढ़ सकें फिर कार्यक्रम के बाद आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि क्या यह संदेश सचमुच परमेश्वर के वचन पर आधारित है मुझे याद है एक समय था जब मैं धनी होने से बहुत डरता था सच कहूं तो मैं इतना कड़का था मेरे पास कुछ नहीं था और अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाता तो उसे केवल रोजाना इस्तेमाल की चीजें ही मिलती इसके अलावा उसे कुछ और नहीं मिलता वो इसलिए कि मैं पैसों से डरता था वो इसलिए कि मैं कुछ वचनों को गलत तरीके से समझता था जैसे उदाहरण के लिए मत्ती उन्नीस के तेईस वचन में यीशु अपने चेलों से कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है इसे पढ़कर मैं डर गया क्योंकि मुझे तो स्वर्ग के राज्य में जाना है तो मैं डरता था धनी ना हो जाऊं वास्तव में पैसों से ही डरता था कि कहीं मैं स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित ना रह जाऊं। परंतु चार साल पहले मैंने जाना अरे एक मिनट रुक, तू तो स्वर्ग के राज्य में ही है जब मैं सोलह साल का था तो मैंने यीशु को अपना उद्धार करता अपना प्रभु मान लिया था उसी पल मैं स्वर्ग के राज्य में था और अब मैं समझता हूँ कि धनी होना क्या है धन संपत्ति के द्वारा ही तो मैं उसके राज्य की स्थापना के लिए उसका भागीदार बन सकता हूँ तो इसने मेरा जीवन बदल दिया एक और वचन जिससे मैं बहुत डरता था वो है जैसा यीशु ने कहा मत्ती छे चौबीस आयत में कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से निष्ठावान रहेगा और Osionfish. दूसरे का तिरस्कार करेगा तुम तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते तो मैं धन पर तवज्जो देना नहीं चाहता था मैं परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहता तो बेहतर होगा धन से दूर रहूं मैं परमेश्वर का तिरस्कार नहीं कर सकता तो बेहतर यही रहेगा कि मैं धन से नफ़रत करूं पर बात यह थी कि आप जिस चीज़ से नफ़रत करते हो वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आएगी आखिरकार मैंने ये बात समझी मैं धन की सेवा नहीं करता मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ जबकि धन मेरी सेवा करता है फिर मैंने ये भी समझा कि धन मेरे भावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेरी सेवा करता है और फिर मुझे वो प्रकाशन मिला जो डॉक्टर डेव विलियम्स ने चार साल पहले मुझे दिया जैसा लिखा है व्यवस्था विवरण आठ अठारह में यहाँ मूसा अपने लोगों से कहता है अपने परमेश्वर यह को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है कि जो वाचा उसने बांधी है उसे पूरा करे तो इस तरह इन बातों ने मेरी बहुत मदद की आप जानते होंगे हमारा परमेश्वर त्री एक परमेश्वर है परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा हमारे भी तीन भाग हैं, हमारी आत्मा प्राण और शरीर इन्हीं के मद्देनजर तमाम मुद्दों में परमेश्वर के काम करने के तीन अलग अलग नजरिए हैं। तो आर्थिक मुद्दे पर उसके तीन नज़रियों में से पहला नजरिया है आत्मिक हमें अपने दान और दशवान से परमेश्वर का आदर करना है विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आशीष देगा फिर हमारी मंशा या रवैया कैसा है क्या हमारी नीयत सही है हमें आखिर धन क्यों चाहिए हम समृद्धि क्यों चाहते हैं धन को लेकर हमारा रवैया कैसा है और फिर है व्यवहारिक रूप में आज हम देखेंगे एक नीति वचन जिसके बारे में यीशु ने बातें की कि वो चाहता है कि वो हमारी क्षमता को बढ़ाए उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता पैंतीस सत्ताइस ये मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ आप एक और बात को समझें कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है वो चाहता है आप आशीष पाएं देखिए भजन संहिता पैतीस सत्ताईस क्या कहता है देखिए यहाँ क्या लिखा है जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहें यह की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है परमेश्वर सच में चाहता है कि आप आशीषित हों और आप आर्थिक मुकामों को हासिल करें पर ये सब इन बातों पर निर्भर करता है कि आप और मैं इस क्षमता में बढ़ने के लिए कितना अधिक प्रगतिशील होते हैं कि उसकी आर्थिक आशीषों को संभाल सकें तो यीशु ने धन के विषय में बहुत कुछ कहा धन के बारे में उसने कई दृष्टांत भी कहे और इनमें से सबसे प्रभावी दृष्टांत जो उसने कहा वो लिखा है मत्ती 25 अध्याय में जब आप इस अध्याय के 14वें वचन को पढ़ेंगे तो यहां यीशु लोगों को राज्य के बारे में बता रहा है और चौदह वचन में वो राज्य की एक उपमा देता है कि राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी अब इस कहानी में ये स्वामी खुद परमेश्वर है और ये दास आप और मैं है बिल्कुल स्पष्ट है लिखा है उसने अपनी संपत्ति अपने दासों को सौंप दी आप सब जानते हैं सब कुछ परमेश्वर का है मेरी ये कमीज ये बाइबल सब परमेश्वर का है मैं तो महज एक दास हूं जिसे ये सब सौंपा गया है तो लिखा है उसने अपनी संपत्ति अपने दासों को सौंप दी आगे पढ़िए पंद्रह वचन ये कहता है उसने एक को पांच तोड़े दूसरे को उसने दो तोड़े दिए और तीसरे को उसने एक तोड़ा दिया अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य या क्षमता के अनुसार देखा आपने उसने उन सबको उनकी क्षमता के अनुसार दिया वो पांच तोड़े वाले को जानता था कि ये आठ तोड़े नहीं संभाल पाएगा वो जानता था अगर ये आठों इसे दे दिए तो इस पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा इसलिए उसे पांच दिए फिर उसने दूसरे को दो तोड़े दिए जबकि तीसरे को उसने एक ही तोड़ा दिया यहां ध्यान दें हमें नहीं मालूम है स्वामी के पास कितने दास थे हो सकता है उनकी गिनती दर्जनों में हो या सैकड़ों में या हो सकता है उसके हजारों सेवक हों जबकि ये तीन दास उसके प्रमुख दास हों मैं सोचता था ये तीसरा तो शायद कोई निकम्मा दास होगा जी नहीं हो सकता है ये दास उसका एक प्रमुख दास हो वो ये भी जानता था कि इन दासों के ऊपर एक समान दबाव भी होगा क्योंकि उसने उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार दिया इसे याद रखें देखिए आगे क्या लिखा है और तब परदेश चला गया तब जिस दास को पांच तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर ये अहम बात है आप तुरंत जाएं उसने तुरंत जाकर किसी प्रकार का लेन देन किया और पांच और कमा लिए आप इस बात को याद रखें उसने तुरंत अपना पैसा काम करने को लगा दिया अगर आप आर्थिक मुकामों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको लेन देन करना होगा पैसे के लिए काम करना बंद करें और सीखें कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे इस वचन में यही लिखा है वो तुरंत गया और अपने पैसे को काम पर लगा दिया उसने और पांच तोड़े कमाने के लिए काम नहीं किया उसने वो पांच तोड़े जो उसे दिए गए थे उन्हीं पांच तोड़ों को काम करने दिया और लेन देन करके पांच तोड़े और कमा लिए देखिए क्या लिखा है सत्रह वचन में इसी रीति से यानी ठीक जैसा उस पांच तोड़े वाले दास ने किया जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी दो और कमाए ये भी तुरंत गया इसने भी अपने दोनों तोड़ों को काम पर लगाया और दो और कमा लिए परंतु जिसको एक तोड़ा मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी सुनिए अगर आपने कभी गड्ढा खोदा होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना मुश्किल होता है है ना? उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया बहुत दिनों के बाद उन्नीस वचन में लिखा है बहुत दिनों के बाद ध्यान दें कि परमेश्वर का राज्य कभी तुरंत धनी बनने के बारे में नहीं है यह धीमी गति से चरित्र निर्माण और क्षमता विकसित करने के बारे में है जिसमें लंबा समय लगता है हम नहीं जानते कितना परंतु बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा याद रखें एक दिन परमेश्वर हम सबका लेखा लेगा हमारा जीवन हमारे लिए परमेश्वर का एक वरदान है हम अपने जीवन का क्या करते हैं ये परमेश्वर के लिए हमारी भेंट है और हम में से प्रत्येक एक दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होगा और लेखा देगा कि जो उसने हमें दिया उसका आखिर हमने क्या किया तो बहुत समय के बाद ये स्वामी लौटता है और लेखा लेता है वो जानना चाहता है कि उसके दिए तोड़ों का उन्होंने क्या किया बीस आयत लिखा है जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने पांच तोड़े और लाकर कहा हे hey, स्वामी तूने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं उसके स्वामी ने कहा धन्य हे hey, अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा हे hey, स्वामी तूने मुझे दो तोड़े सौंपे थे देख मैंने दो तोड़े और कमाए उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य हे hey, अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो तब जिसको एक तोड़ा मिला था ध्यान दें एक तोड़े वाले ने आकर कहा हे hey, स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है आप जानते हैं इस दृष्टांत में स्वामी कौन है परमेश्वर क्या मैं पूछ सकता हूं क्या परमेश्वर कठोर है परमेश्वर कठोर नहीं है परमेश्वर दयालु है वो उदार है वो धीरज धरता है ये व्यक्ति अपने स्वामी को पहचानता ही नहीं उसे अपने स्वामी को लेकर गलत फहमी है उसकी परमेश्वर को लेकर एक गलत धारणा है उसे लगा वो कठोर है उसे लगा वो कठोर मनुष्य है मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है और देखिए वो किस तरह के इल्जाम उस पर लगाता है मैं जानता था तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है क्या ये सच है क्या परमेश्वर अपनी ही आज्ञा का उल्लंघन करता है क्या परमेश्वर चोरी करता है क्योंकि जहां वो नहीं बोता वहां काटता है आगे पढ़िए वो कहता है और जहां नहीं छाटता वहां से बटोरता है सच में सुनिए इस एक तोड़े वाले दास में एक समस्या थी वो अपने स्वामी को नहीं समझता था वो अपने भले स्वामी को नहीं समझता था इसलिए एक विश्वास का व्यवहार ना जताते हुए वो डर जाहिर कर रहा था क्योंकि वो भयभीत था मैं ऐसे कई मसीहों को जानता हूँ वो पूरी तरह भयभीत होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं वो नहीं समझते कि परमेश्वर भला परमेश्वर है ध्यान दे आप कभी भी आर्थिक मुकामों तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपने डर में जीते हैं परमेश्वर नहीं चाहता हम भय में जिये वो चाहता है हम विश्वास से कार्य करें वो चाहता है कि हम समझें कि वो कितना भला है और हमारे लिए कितना तत्पर रहता है ताकि हम हियाफ़ के साथ उसके पास जा सकें और उसकी बुलाहट के अनुरूप फल लाएं पर इसने कहा मैं जानता था तू ऐसा है तो 25 वचन में लिखा है इसलिए मैं डर गया देखा आपने और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वो ये है तो स्वामी ने उसे क्या उत्तर दिया स्वामी ने उत्तर दिया कि हे दुष्ट और हे आलसी दास जब तू ये जानता था देखिए उसने ये स्वीकार नहीं किया कि उसके लिए उसका आंकलन सटीक था वो बस उसकी समझ का विरोध करता है तो जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सराफों को दे देता तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता मैं ये नहीं कहता कि मेरे बारे में तेरा आकलन सही था पर फिर भी अगर तू जानता था कि मैं ऐसा हूं तो कम से कम तू उसे किसी बैंक में ही डाल देता जहां वो सुरक्षित रहता और ब्याज भी मिलता अब परिणाम देखिए अट्ठाईस वचन वो तोड़ा इससे ले लो और जिसके पास दस तोड़े हैं उसे दे दो ये क्या हम तो सोचते हैं अमीरों से लेकर गरीबों को दे दो पर परमेश्वर कहता है इससे ले लो और जिसके पास दस हैं उसे दे दो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि परमेश्वर सदैव अपने निवेश का प्रतिफल चाहता है वो हमेशा अपने निवेश के लाभ का इंतजार करता है और अगर हम विश्वास योग्य नहीं तो वो सच में जो भी है ले लेगा और किसी अन्य विश्वास योग्य को दे देगा देखिए वो क्या कहता है क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा ओहो ये सचमुच कितना सामर्थी वचन है मैं यहाँ आपको कुछ मुख्य बातें बताऊँगा सबसे पहले प्रत्येक दास को उसकी क्षमता के अनुसार ही मिला उसने जिसे पाँच दिए उसे पूरे आठ नहीं दिए क्योंकि उसमें योग्यता नहीं थी इसलिए उसने उसे पांच दिए दूसरे को दो और तीसरे को एक दिया उनमें से हर एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की योग्यता रखता था अगर आप और मैं अपनी समृद्धि में बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम उसमें बढ़ें जरूरी होगा कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। मैं ये कहूंगा कि आप अपनी आर्थिक शिक्षा को बढ़ाएं करोड़ों पतियों की लिखी किताबों को पढ़ें चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मुझे तो इस बात से मतलब है कि वो आर्थिक सिद्धांतों के बारे में क्या जानते हैं है ना क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि फर्क यही है किसी भी रईस और किसी मध्य वर्गीय में कि उनकी आर्थिक शिक्षा क्या है उनका अनुशासन कैसा है और मैं कुछ बातें जानता हूँ लोग तब तक बदलना नहीं चाहते जब तक कि इतना अधिक चोटिल हो जाए कि बदलाव ही रास्ता हो तभी वो बदलाव अपनाते हैं जरा सोचिए जब तक वो इतनी चोट नहीं खाते जब तक कि बदलाव ही एकमात्र रास्ता हो वो तभी समझते हैं कि वो बदल सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर त्रिएक एक परमेश्वर है और त्रिविभाजित तरीके से आशीष देता है मैंने अकाउंटिंग में ए डिग्री हासिल किया है सेवकाई में आने से पहले मैं अकाउंट्स देखता था वहां मुझे सिखाया गया कि बैलेंस शीट में दो कैश फ्लोज होते हैं जिन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स कहते हैं परंतु समय के साथ परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि नहीं तीन तरीके के कैश फ्लो हैं धन आपूर्ति के तीन तरीके हैं उनमें सबसे पहला है ये आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चे खर्चे जैसे आपका किराया उपयोग की चीजें किराने का सामान मनोरंजन के बिल और कर आदि ऐसी चीजों की जब आप कीमत अदा कर देते हैं तो उनके सिर्फ बिल रह जाते हैं वो सब चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं आपने उनके लिए पैसा दिया इस्तेमाल किया और खत्म कर दिया इन्हें खर्च कहते हैं दूसरी श्रेणी है लायबिलिटी यानी देनदारी देनदारी जैसे अपने घर का ऋण चुकाना कार या किसी तरह के फर्नीचर का लोन अदा करना या अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट अदा करना ऐसा प्रतीत होगा कि यह आपकी संपत्ति है आपकी जायदाद है पर आपको पैसा नहीं कमा के देती आप उससे पैसा नहीं बना सकते तो वो एक तरह की देनदारी है मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मध्यम वर्ग के लोगों का अधिकतर पैसा इसी तरह के खर्चों और देनदारी में चला जाता है उनका ज्यादातर धन खर्च पूरे करने में लग जाता है या फिर घर या गाड़ी के लोन में चला जाता है ये धन उनके लिए काम नहीं करता फिर एक तीसरी श्रेणी है पूंजी यानी संपत्ति जैसे आपका बिजनेस या आपकी अचल संपत्ति या आपका पूंजी निवेश या किसी तरह के बॉन्ड यानी आपने अपने धन से किसी तरह का निवेश किया है ताकि और धन बनाया जा सके अब ये वो श्रेणी है जहाँ समृद्ध लोग अपना धन लगाते हैं हाँ उनके थोड़े बहुत खर्चे होते हैं और उनकी कुछ देनदारी भी रहती है पर वो समझते हैं कि उनका ज्यादातर पैसा उनके लिए काम करते रहना चाहिए ताकि और रईस बन सके क्या मैं आपको बताऊं आपका सबसे बड़ा पूंजी निवेश कहाँ होता है बस एक मशवरा है कि आप अपना सबसे बड़ा पूंजी निवेश कर सकते हैं खुद में आप खुद के अंदर अपना सबसे बड़ा पूंजी निवेश कर सकते हैं आर्थिक शिक्षा लेकर आप खुद के अंदर निवेश कर सकते हैं सीखें समझें किताबों को पढ़ें हैरानी की बात है हम अपने शरीर को कितना अधिक खिलाते हैं जबकि अपने दिमाग को कितना थोड़ा कितना कम हम बुद्धि और समझ में अपने आप को विकसित कर पाते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप करोड़पति लोगों की लिखी किताबों को पढ़ें इस दृष्टांत में दूसरी मुख्य बात है लिखा है कि पहले दोनों दासों ने तुरंत जाकर लेन देन किया उन्होंने पैसे को काम पर लगाया पैसों के लिए काम करना बंद करें सीखें कि आपका पैसा आपके लिए काम करे मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा एक स्वामी बन जाता है पर एक गजब का सेवक बनता है <laughs> आप समझे मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा मुझे बताए कि मुझे क्या करना है मैं पैसे को बताऊंगा कि उसे क्या करना है यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि मलाकी के तीसरे अध्याय में आठ वचन में आप अक्सर सुनते हैं कि कहा जाता है कि अपने दान कलिसिया में ले आओ पर हम इसे गलत समझते हैं आप परमेश्वर को कैसे लूटते हो इस वचन के अनुसार भेंट और दशमांस के द्वारा जी नहीं इसका अर्थ ये नहीं है मैं आपको बताता हूँ किंग जेम्स के अनुवाद के अनुसार दशमांश एक नहीं दशमांश और भेंट एक से ज्यादा है इस अनुवाद के अनुसार टाइथ नहीं टाइथ्स लिखा है जरा सुनिए मैं बताता हूँ यहाँ दो दशमांस है और दूसरा दशमांश इसे यहूदी जानते हैं यही कारण है कि यहूदी जैसा कि शेन विलियम्स का कथन है उनकी संख्या महज चार प्रतिशत है जबकि संपत्ति चालीस प्रतिशत तक जानते हैं क्यों क्योंकि वह परमेश्वर के आर्थिक सिद्धांतों को मानते हैं इसलिए दो दशवांश है पहला दशवांश तो परमेश्वर का है दूसरा दशवांश आपको अपने लिए अलग करना है परमेश्वर चाहता है इस दशवांश को आप निवेश में लगाए मैं आपको बताना चाहूंगा ये कितना प्रभावी है ये आपके नोट्स में है और ये बहुत प्रभावी है अगर आप सप्ताह में चार सौ कमाते हैं मान लीजिए आप 15 साल से लेके पैंसठ साल की उम्र तक के हैं आप समझे मान लीजिए आपकी आमदनी निर्धारित रही है हर सप्ताह चार सौ आपकी पूरी जिंदगी में और आप दशवांश भी देते हैं यानी चालीस रुपये हर सप्ताह अब अगर आपने चालीस रुपये का निवेश भी किया होता और आपको आठ प्रतिशत ब्याज मिला होता ये ब्याज कितना होता है कहाँ से मिलता है इसलिए तो कह रहा हूँ आपके पास आर्थिक शिक्षा होनी चाहिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर 15 से 20 प्रतिशत तक अपने तमाम निवेश पर ब्याज मिल रहा है ये कोई मुश्किल बात नहीं है पर आपने चालीस रुपये हर सप्ताह निवेश में लगाए और उस पर 8 प्रतिशत ब्याज मिला और ऐसा आपने अपनी पूरी जिंदगी में किया आप जानते हैं पैंसठ साल की उम्र में आपके पास कितने रुपए होंगे बारह लाख बयालीस हजार एक सौ छप्पन ये आपका निवेश होगा कैसे ये साधारण हिसाब किताब है एक सरल आर्थिक शिक्षा तुरंत अपने पैसों से लेन देन के द्वारा तीसरी मुख्य बात है स्वामी अपने पूंजी निवेश से लाभ की आशा रखता है परमेश्वर ने आप में निवेश किया अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया है ना वो अपनी निवेश का ख्याल रखता है देखिए यहाँ क्या लिखा है मत्ती पच्चीस अध्याय के अट्ठाईस वचन में वो तोड़ा इससे ले लो इसने मेरी पूंजी को खराब किया और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो देखिए मैंने क्या लिखा है परमेश्वर आप पर भरोसा करता है इसलिए आपके जीवन में निवेश करता है अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने आपके पाप का कर्ज चुकाया ताकि आप मुक्त होकर उसके भरपूर आशीषित जीवन का आनंद ले सके यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा देखिए हमें बढ़ना है हमें यीशु के प्रेम में बढ़ना है हमें प्रभु की आशीषों में बढ़ना है पर इसके लिए जरूरी है कि आप इन बातों को भी समझें कि आर्थिक मुकामों को हासिल करने के लिए आपकी क्षमता का बढ़ना जरूरी है ताकि आप अपनी समृद्धि को संभाल सकें देखिए बाइबिल क्या कहती है परमेश्वर आपके बर्दाश्त से ज्यादा आपको कुछ नहीं देगा ये केवल नकारात्मक बातों के लिए नहीं है क्या ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको इतना अधिक प्यार करता है कि आपको इतना अधिक भली वस्तुओं से भर दे कि आप संभाल ही ना पाए वो कभी भी आपके चरित्र या आपकी क्षमता से बढ़कर आशीष नहीं देगा कि आप उसकी सेवा ना कर पाए लोग सोचते हैं बहुत पैसा होना चाहिए काश मैं कोई लॉटरी जीत जाऊं कभी जाइए और लॉटरी जीतने वालों की कहानी सुनिए आप दंग रह जाएंगे कि उनमें से अधिकतर ये लाखों करोड़ों की रकम को जीतने के कुछ सालों के बाद अब पहले से कहीं ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं क्या आप इसका कारण जानते हैं क्योंकि आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए आपको अंदर से बढ़ोतरी की जरूरत है आपको ये सीखने की जरूरत है कि आप अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं कि आप सही ढंग से कैसे उस समृद्धि को संभाल सकते हैं जो परमेश्वर आपको सौंपना चाहता है मैं हमेशा आपको एक किताब पढ़ने की सलाह देता हूं और मेरा मशवरा है कि आप इस किताब को पढ़ें क्योंकि आपको आर्थिक शिक्षा की बहुत जरूरत है इस किताब के लेखक हैं डेव रैमजी इसका नाम है द टोटल मनी मेक ओवर डेव एक अद्भुत शिक्षक हैं। इसमें इनकी बहुत व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो कर्ज से मुक्त होने में आपकी मदद करेंगी और फिर ये कि आप कैसे उस पैसे का अब निवेश कर सकें ताकि ये पैसा आपके लिए काम करे मैं हमेशा की तरह आपको आशीष देना चाहूंगा और ये कहते हुए आशीष दूंगा कि परमेश्वर की वो आशीष जो आपको समृद्ध करती है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता आपके साथ हो मेरी दुआ है कि आप संपन्न हो जाएं, आपको अच्छी सेहत मिले और जैसे आप अंदर से संपन्न होते जाते हैं और जब आपका मन आर्थिक तौर तरीकों को सीखता जाता है और जैसे जैसे आप आर्थिक शिक्षा पाते जाते हैं और जब आपकी भावनाएं नेक नियत के साथ अच्छी मंशा रखती हैं कि आप सही रूप से आर्थिक आशीष पा सके तो आपकी आंतरिक समृद्धि के साथ आप भी समृद्ध होते जाएं आपके शरीर का सही विकास हो ताकि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के भागीदार बन सके कि इस पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना करने वाले हो और आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो जो आशीष आप पर आकर ठहरती है तो आपके आसपास के लोग आपके ऊपर आती परमेश्वर की भलाइयों को देख सकें कि आप उसकी संतान हैं और वो भी परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाए मेरी दुआ है आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाए ये के सामर्थ्य नाम में गॉड्स पार्ट टू प्रोस्पेरिटी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा करते हैं कि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया होगा हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपसे कुछ सुन सके अपने विचार हमें जरूर लिख कर भेजे फीडबैक एट कॉर्ड डॉट टीवी आरोप आप आज का ये एपिसोड या इस श्रृंखला के और दूसरे कार्यक्रम देख सकते हैं स्लैश डी ओ आरोप और भूले ना इस श्रृंखला की सारी शिक्षाओं को और अधिक देखने के लिए बिल्कुल मुफ्त में आप इसे डाउनलोड करें गॉट डॉट टी स्लैश प्रोस्पेरिटी आरोप